अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सलातु व सलाम अला वल मुरसलीन اللهم صل علی سيدنا مولانا محمد व अला आलिही व असहाबीही व बारिक व सल्लिम व सल्ले दुनिया के तमाम देखने वालों को तमाम चाहने वालों को तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है जुनीद इकबाल की जानब से इंतहाई मोहब्बत के साथ असलमैक एक बार फिर नाजरीन आपको नूर सुब शुब नूर के साथ मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदेद करता हूँ आइए बिला तोफ़ चले हज़रत अबोअनीस महमद बरकत रमा की तालीफ असमा नबील करीम सल्ला वसलम से रसूल सल्ला वसलम का इस मुबारक पढ़ने और सुनने की शादत हासिल करते हैं सैदुना और राजी सल् वसल्लम हमारे सरदार अल्लाह रहमत पर उम्मीद रखने वाले दरुद वसलम विजयल्ला आप सल्ह वसल्लम पर आप सल्ह वसल्लम के आल पाक पर और साहबा कराम रिजवानल तजमैन पर हजून नबी करीम सल्लाम का फरमान मुबारक है कि हर चीज़ का एक दिल होता है क़ुर पाक का दिल सूर यासन है बस इसे मुर्दों पर पढ़ा करो इसलिए कि मैयत के लिए यासीन शरीफ पढ़ना और पढ़वाना दोनों दुरुस्त हैं जनाब जुड़े रहेंगे आज इन आप हमारे साथ क्योंकि आज मौजू बहुत इंटरेस्टिंग है कुरान खानी और ईसा सवाब आज इस पे बात करेंगे और आपको बतलाएंगे कि बहुत सारी कन्फ्यूजनस जो लोगों के जहनों में अमूमन पैदा हो जाया करती हैं साहब कि क़ुरान खानी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए ईसा सवाब किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए अगर किया जाना चाहिए तो तरीक़ार कैसा होना चाहिए अगर तरीक़ार को हम देखते हैं तो साहब फिर उस उसमें यह सवाल पैदा होता है कि क्या खुद करनी चाहिए या बाहर से जो है वो जो बच्चों को बुलवाया जाता है उन पर तकिया करना चाहिए तो आज बहुत सी बातें इंशाल्लाह होनी है एक बात तो नाजरीन आप जहन में कैटेगोरिकल रख लीजिए कि इस आर्जी दुनिया के अंदर यानी ये जो भी जो भी हम जीते हैं अपनी जिंदगी चाहे वो पचास बरस है बरस है बरस है बरस बरस उस वक्त तक हमारे सारे मामलों का जो खाता है ना जिसे आप बुक कहते हैं अमाल की वो खुली रहेगी जब तक ये सांसों की डोर हमारी चल रही है जिस वक्त ये सांसों की डोर टूट गई जिस वक्त हमारे दिल ने धड़कना छोड़ दिया जिस वक्त हमारे वजूद ने रूह का का साथ छोड़ दिया यानी रूह जो है वो हमारे वजूद का साथ छोड़कर चली गई उस वक्त सब कुछ वैनिश हो जाएगा खत्म हो जाएगा यानी वो वो जो आमाल का चैप्टर है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएगा सांसें चल रही हैं तो जिक्र है। है, तो नमाजी भी बरकरार है।, है तो कुरान पाक की तिलावत भी हो रही है ये सांसें अगर चल रही हैं तो दुरूद पाक की कसरत भी हो रही है यही सांसें अगर मौजूद हैं नाजरीन तो इंसान सदक़ात भी कर लेता है खैरात भी कर लेता है यानी चैरिटी के नाम पर अल्लाह तला को राजी करने के लिए बहुत कुछ कर लिया करता है लेकिन जिस दिन जिस दिन जहन में रखिएगा ये सांसें खत्म हो गई उस दिन सब कुछ जो है वो रुक जाएगा यानी सारे के सारे चैप्टर्स क्लोज हो जाएंगे लेकिन कुर्बान जाए अपने रब के ऊपर साहब और कुर्बान जाए परवरदिगार की रहमत के ऊपर कि अल्लाह तबारक ताली ने उसके बाद भी कई डोर्स खोल के रखे हैं मैं तीन डोर्स के बारे में आपको बतलाता हूँ वो तीन दरवाज़े ऐसे हैं अगर आपने उसका अहतमाम सही तौर से कर लिया तो यकीन मानिए आपका खाता इन क्लोज नहीं होगा यानी वो जो यूँ कह लीजिए कि सवाब की और जो नेकियों का खाता है वो हमेशा इनशाला खुला रहेगा हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तुन से मरवी है रसूल सल्ह वसलम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल बंद हो जाता है आप समझ रहे हैं अमल मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है मगर तीन चीजें अब जो तीन चीजें हैं इनको जरा तवज्जो से सुन लीजिए फरमाते हैं कि एक सदका सदका यानी यानी ऐसा जिससे जिंदा लोग नफा हासिल करते रहें आप कुछ भी प्लान कर दीजिए कुछ भी प्लान कर दीजिए जो जारी रहे अल्लाह तआला उसका सवाब आपको पहुंचाता रहेगा दूसरा ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा उठाते रहें यानी आज हमारे यहां प्रॉब्लम यह हो गई है कि लोग इस बात को समझ नहीं रहे मैं अमूमन इस पर बड़ी बात करता हूं कि ये जो हम आज वी की सूरत में पॉडकास्ट की सूरत में लोगों को नफा देने वाला है अल्लाह तबारक उससे राजी हो रहा है यह आपको कब्र में भी नफा देगा आपको हशर में भी नफा देगा लेकिन खुदा ना खासा खुदा नाकम बदेन आपने कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर दिया है जिससे लोगों में जो है अपना बदकारी आम हो रही है या कुछ भी कह लीजिए उसको साहबिविटी है तो फिर और तीसरी बात कि ऐसी नेक औला तौर पर अपने लिए सदका जारिया बनाकर जाइए याद रखिए में हम जीते ना साहब यह दुनिया की जिंदगी जो है मैंने अर्ज किया कि पचास साठ सत्तर बरस खत्म हो जाएगी इंसान के अमाल का मुकम्मल तौर पर तल्लु खत्म हो जाएगा लेकिन अल्लाह तब ने जो दरवाजे के तौर पर अब बहुत सारी ऐसी औलादे के के भी किया करती हैं उसका भेजती हैं तो है। और एक मुसलमान जब आ, हम बात करते हैं उम्मत मोहम्मद की तो क्या खूबसूरत हदीस पाके साहब कि जो शख्स कब्रस्त गया और यासिन शरीफ पढ़ी तो अल्लाह तबारक उस दिन मुर्दों से किताब में तख़फीफ फरमा देता है ज़ाहिर ये एक ऐसा सवाल है एक ऐसा मौजू है और ऐसे आप यूँ समझ लीजिए कि अपना ताल्लुक है इस मौजू का कि हर एक को इस कन्फ्यूजन को अपने जहन के अंदर कम अज़ कम दूर कर लेना चाहिए कि हमारा जो बेसिक कंडक्ट है वो ईसार सवाब के हवाले से और कुरान खानी के हवाले से क्या होना चाहिए तो एक तो इसकी शरिय हैसीयत क्या है और ज़ाहिर है इसके फ़वद पर बात कीजिए और कुरान खानी के जो बुनियादी मकासद हैं आगाज़ में इस पर भी जरा फरमाइए बहुत शुक्रिया जुनेैद भाई हमारी ज़िंदगी से मुतक बहुत अहम सवाल है देखिए कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है और जैसे अल्लाह रब्ज़त की शान है कि वो कदीम है यानी अजली और अबदी है वो हादिस नहीं और उसकी ज़ात में फ़ना नहीं और ना ही उसकी ज़ात में इब्ता और इंतहा का कोई तसवर है वाह तो यही शान अल्लाह रबालसलत की हर सिफत को हासिल है तो उसी तरह कुरान को भी हासिल है कुरान अल्लाह ताला की तफत कलाम का भी हूरूर है और सिफत इल्म का भी हूर है तो इस इसबार से कुरान की शान भी ये है कि ऐसा नहीं है कि ये हमें फ़ानी दुनिया की जो चंद रोज़ा ज़िंदगी है इसके बारे में तो हमें नफ़ा दे और उसके अलावा जो बरज़ी ज़िंदगी है उसका नफ़ा हम तक ना पहुंचे कुरान के ज़रिए से ये नहीं हो सकता तो अल्लाह ताला के कलाम होने के नाते इसने इंसान और जमी मखलूक जो कि हादिस हैं उनको अपने ए, कदीम दामन के अंदर समो लिया हुआ है इसलिए ये जो कहा जाता है कि कुरान मजीद का आ, मैं यहाँ ये बात भी अस करना चाहता हूँ कि हम ख़लत मबास का शिकार हैं और बाज़ात जानबूझकर कर ही हम महज मसलकी या गिरोही तासुबात की वजह से एक जुज के ऊपर एम्फेसाइज कर, कर रहे होते हैं और उसका दूसरा जुज जो कि हक होता है उसको जानबूझ के नजरअंदाज कर रहे होते हैं मिसाल के तौर पर जब हम मरहूमिन के लिए या फौत शुदगान के लिए कुरान मजीद की तिलावत और उसकी नफ़ा बख्शी की बात करते हैं तो ये आर्गमेंट उठा लिया जाता है कि भी कुरान तो आया है हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए लिहाजा ज़िंदगी से ज़िंदगी में कुरान से हिदायत हासिल करें कुरान से मार्फत हासिल करें कुरान से इल्म हासिल करें यह आर्गमेंट अपनी जगह एक हकीकत है मगर इसको बुनियाद बनाते हुए उस दूसरे आर्गोमेंट को निगेट कर देना ये या तो तौर पर होता है मसलकी और गिरोही तसुबात की वजह से या ना दान, दानिस्ता तौर पर कामिली की वजह से होता है लिहाजा हमें इन दोनों पहलुओं को समझना चाहिए कुरान हमारी ज़िंदगी के लिए भी रहमत और शिफा है वाह मरने के बाद भी रहमत और शिफा है वाह हर हाल में और हर एक के लिए रहमत और शिफा है और सरायनीसराइल के अंदर इसको मोमिन के साथ खास फरमाया है फरमाया वन कुरान माह व शिफ़ाऊ वह मबिन हम कुरान मजीद के अंदर जो कुछ हम नाजिल करते हैं नाजिल किया है इसमें यह ऐसा है कि जो शिफा है और रहमत है मोमिन के लिए अब लफ्ज मोमिन फरमाया है तो मोमिन के साथ न तो जिंदा की तखसीस है न मुर्दा की तखसीस है लिहाजा मोमिन मोमिन है उसके लिए कुरान शिफा भी है कुरान रहमत भी है सुबह जब उसे शिफा की जरूरत है उसके लिए शिफा है जब उसे रहमत की जरूरत है तब उसके लिए रहमत है Allah. और इसी तरह कुरान मजीद ने सुरा यूनोस के अंदर फरमाया कि शिफा उल्ले माफिस कुरान मजीद शिफा है उस हर उस मर्ज के लिए जो तुम्हारे सीनों में हो जो तुम्हारे दिलों में हो बातिन में हो तो इसका मतलब है कि कुरान मजीद <स्थाथ> असलन तो इंसान की रहनुमाई और हिदायत के लिए नाजिल हुआ है <स्थाथ> और असलन तो यह कुरान इंसान को अल्लाह से जोड़ने के लिए नाजिल हुआ है मगर उस रज़ाए इलाही मारिफत इलाही और हिदायत के बुनियादी मकसद के बाद दूसरे मकासद जिनको आप मकासद दीनिया कह सकते हैं जिनको मकासद शरिया कह सकते हैं उनके लिए कुराने मजीद की बाकायदा तिलावत करना उसे पढ़ना ये खुद की तरह के के तो वो आकदीस मुबारक है जिनका इस बात से ताल्लुक है कि जिंदगी में कुरान को बरकत के लिए मगर फौज शुदान के लिए कुरान मजीद की तिलावत करना यह भी आदि से से साबित है जैसे अब्दुल्ला बिन उमर से मरवी है वह कहते हैं कि इस्लाम ने फरमाया कि जब भी कोई शख्स फोत हो जाए मोमिन मुर्दा हो जाए फोत हो जाए तो उसे मतरो को उसे जल्दी दफनाओ और फरमाया उसके सिरहाने खड़े होकर सूरह बकरा की इब्तायी आयत पढ़ो यानी अलिफ मीमजालकताबूल बफ़ी इससे लेकर मुफ्लिहून यहाँ तक फरमाया ये इब्तायी आयत पढ़ो उसके सिरहाने खड़े होकर और जो बकरा की आखिरी आयत हैं आमन रसूल यहाँ वहाँ से जो शुरू होती है वो फरमाया उसको मुकम्मल पढ़ो उसके पाओं की तरफ खड़े होकर अच्छा ये हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की रिवायत है हजरत मौलाए कायनात हजरत अली उमत कर रमल्लाक करीम आप फरमाते हैं इसी तरह एक मरफू हदीस बयान करते हुए फरमाते हैं कि जब कब्रिस्तान से गुजरो तो ये जो सूरह इखलास है कुल कुल्हल्ला शरीफ ये ग्यारह मरतबा पढ़कर अगर तमाम मदफ़ूनी जो ईमान हैं मर्द और औरतें उनको अगर बख्श दिया जाए तो फरमाया उनको जितना सवाब पह पहुँचेगा उनकी तादाद के बराबर सवाब पहुंचेगा उस पढ़ने वाले को. सुबह इससे देखिए ये रिवायात और दीगे अहदीसी मुबारक से अगर हम अखज़ करें तो ख़ुलासा ये बनता है कि जिंदगी में जीते जी कुरान मजीद को पढ़ना हिदायत के लिए खैर बरकत के लिए मुख्तलिफ़ आजाद के लिए मुख्तलिफ़ दीनी मकासद के लिए हाँ। यह भी मुसलम है हाँ। और साबित है और इस फौज शुदगान के लिए पढ़ना और पढ़कर उनका स्वब उन तक पहुँचाना यह भी आकलम की तलकिन में भी मौजूद है।, है।, है सुन्नत में भी मौजूद है और सिबा कराम के अमल में भी मौजूद है और अनसार और अहल मदीना का भी इस पर अमल था कि वह तो कब्रिस्तान में जाकर कुरान मजीद की तिलावत किया कर बिल्कुल बात वही आ गई ना कि यह भी है कि अल्लाह ताला ने इसको किसी एक खास मकसद के लिए नहीं उतारा इसके कई मकसद हैं यानी अगर एक तरफ ये हिदायत का है, तो दूसरी तरफ जो है दर्जात की बुलंदी और गुनाहों की माफ़ी का भी जरिया है दोनों ही अच्छा जी अल्लाह साहब ये ये। हमारे यहाँ और ये, ये बड़ा एक सादा सा सवाल है और मेरा ख्याल हर एक के जहन में ये सवाल होगा नॉर्मली होता ये हमारे यहाँ हम दो बातें इसमें एक बात तो ये कि या तो घर वाले जो हैं वो कुरान पाक पढ़े हुए ना हो या तादाद कम हो या मतलब माजअल्ला वो ये महसूस कर रहे हो कि जी ये तीस पारे कैसे ख़त्म करेंगे या उनको अपने मखारिश पर तलफ़ पर जो है वो शक हो और मतलब वो उस पर कामिल ना हो तो होता ही है अमूमन कि बहुत ही जल्दी से जो है मतलब वो अपना किसी को फ़ोन कर दिया जाता है और कह दिया जाता है जी कि वो कुरान खानी के लिए बच्चों को जो है ज़रा भेज दीजिए और बच्चे आके कला में पाक पढ़ के चले जाते हैं तो एक तो ये कि सिलसिले में क्या हो कि मेरा ये बताइए दूसरा जो बेहतरीन तरीक़ा है कुरान खानी का आ, वो क्या होना चाहिए और इसके फ़वायद के बारे में बताइए बसमिन रहीम ये आज का मौजू जो है वो हमारी साठ सत्तर साल जिंदगी से ही ताल्लुक़ नहीं रखता बल्कि यह क़्यामत तक की ज़िंदगी के लिए ताल्लुक रख यकीन है। तो जिस क़दर कुरान मजीद फुर्कान हमीद को अल्लाह तला की किताबों के यहाँ कुतुब का दर्जा हासिल है तो इसका मतलब है कि फिर इसकी खैर वरक़ात अब इसके बाद किसी और किताब में आने वाली नहीं है वो इसी का खास यकीनन, है। तो जो फ़वाद समरात इस किताब ने हमें अता किए हैं और अता करती रहेगी उस हवाले से इसमें गौर करना चाहिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये जिंदगी के अंदर तो अपनी जगह पर है लेकिन मरने के बाद का हमारा मौजू है तो कबर के अंदर इसके बारे में क्या होता है मिशका शरीफ के अंदर पाक मौजूद है और दो मरतबा उसमें जिक्र हुई है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुर्ण खुद इरशाद फरमाया कब्र के, के अंदर मैयत से जो तीन सवाल मशहूर हैं चौथा सवाल इसमें यह किया जाएगा कब्र में कि माजा कराता तुम क्या पढ़ते रहे अच्छा तो वो फिर वहां पर अगर मोमिन है तो जवाब देगा करातु तो किताब अल्लाह सुबह अल्लाह अल्लाह का कुरान पढ़ता सुबह तो अब ये देखिए कि जिंदगी में पढ़ना कब्र में भी नाफे हो रहा है और कब्र के अंदर कुरान के नाम की बरकत से सवाल का सही जवाब देने वाले की मफरत की जा रही है अल्लाह पर अब दूसरी तरफ आइए नबी करीम सल वसलम के साबा इक्राम रिद्वान और दीगर अकाबरीन उनका अमल इस बारे में क्या रहा

जब कब्रस्तान आप गए हैं एक मैयत की तदफीन के लिए वहाँ एक नाबीना शख्स को देखा उसने कब्र के पास कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है आपने उसे मना किया इमाम अहमद बिन हूँ कि कब्र के पास कुरान ना पढ़ो ये बिदायत है ओके अब एक इतना बड़ा इमाम और इतना बड़ा फतवा सादिर कर दिया अब कब्रस्तान से बाहर निकले तो वहां पर एक और अजीम मुहदस मौजूद थे इबन खुदाम जौहरी ठीक है एक इबन कुदामा मकदसी गुजरे वो वो से पाके शागिर थे इबन कुदामा जौहरी इमाम बुखारी के तो इबामा जौहरी जो थे हम्बल से गुफ्तगु की और फरमाया क्या आप मुबशर हल्बी को जानते हो उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल जानता हूँ आप फरमाने लगे उसकी हैसियत क्या है तो कहने लगे वो सिका थे उन्होंने फिर पूछा कि आपने इनसे कुछ लिखा है उन्होंने कहा हाँ मैंने उनकी कई रिवायात ली तो आप फरमाने लगे मुबशर हलबी जो है उन्होंने यह बयान किया अब्दुल रहमान बिन आला लजलाल से हुँ। लजलाज इनसे रिवायत किया है वो कहते हैं कि मुझे मेरे बाप ने यह वसीयत की कि जब मैं फोत हो जाऊं कबर में रख दिया जाऊं तो मेरे सर की तरफ सूरह बकरा की पहली आयत और मेरे पाओ की तरफ सूरह बकरा की आखिरी आयत तिलावत की अल्लाह और उन्होंने क्यों कहा उन्होंने सात वजह बताई कि ये हजरत सैदनाजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजिया ने अपने पास से नहीं कहा बल्कि उन्होंने हजूर सल्लाम से मरफून बयान की सुबह सो तो उसी वक्त इमाम अहमद बिन हम्बल को आज के दौर के तो नहीं थे ना कि जहां अड़ गए तो बस अड़ गए जमीन जुम्मद गुरद उन्होंने फौरी जब ये बात सुनी तो उस नाबीना को कहने लगे भाई मेरी तसल्ली होगी आप जाओ वापस कब्रस्तान के अंदर और उस कब्र के पास जाके पढ़ना शुरू यानी कितने वसीव नजर कल्ब लोग थे वो तो अब ये हमारे लिए इंशाल्लाह काफी और शाफी इंशाल्लाह अच्छा, अच्छा आप जरा बताइए ना कुरान खानी के बारे में जो हम करते हैं अमूमन जो हमारे राइज कुरान खानी का तरीका है राय कुरान खानी जो है उसको हमारे यहाँ बाज लफ्ज बोलकर उसका वजन कम कर दिया जाता है कोई कहते जी ये रसम है इससे उसका वजन कम कर दिया अभी रसूमात में से है फलाएं डमकाएं तो कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो शरीयत के हुक्म को खफीफ बना दे वो लफ्ज इस्तेमाल करना जायज नहीं ठीक है।, है अब अनसारे मदीना का जो अमल इमाम खलाल ने इमाम शाबी से रिवायत की और इमाम शाबी वो मुहदसिन में से वाहिद मुहदस हैं जिन्होंने आशरा मुबशरा दस जन्नती से आबा की जीत की हुई ठीक हो बहुत से आईमा है जिन्होंने किसी एक की किसी ने दो की किसी ने कितने इन्होंने दस के दस की जियारत की वो उस दौर के लोगों का अनसार का अमल बता रहे हैं कि अनसार मदीना में से जब खूस किसी का कोई इंतकाल कर जाता तो इालीफु इला कबरे ही ये सारे के सारे उसकी कब्र के पास जमा हो जाते और वहां जाकर कुरान मजीद की तिलावत की अल्लाह इसी तरह आप देखिए कि इस अमल को हजरत ख्वाजा हसन बसरी रजी अल्लाह आपने खुद बयान किया एक औरत आई उसने कहा जी मुझे मेरी वालिदा मेरी बेटी फौत होगी उसकी कैफियत बयान की जाए आपने उसको कुछ अमल वजीफा बताया सुन तकासुर का उसने घर जाके पढ़ा तो अपनी बेटी को देखा उसको कबर के अंदर अजाब दिया जा रहा है वो आई और रोई आपके सामने आपने फिर अगली रात खुद अमल वजीफा करके उसके लिए दुआ की और साथ में देखने की तमन्ना की तो उनको नजर आया कि उनकी बेटी पर तो बड़े इनाम और रहमतों की बारिश है तो आपने पूछा भी तुम्हारी मां ने तो देखा तुम पर अजाब है और मैं देख रहा हूं तुम पर रहमत है ये क्या फर्क है तो वो कहने लगी कि वाकई जब मां ने देखा था तो मुझे अजाब था लेकिन उसके बाद एक साले शख्स गुजरा कब्रस्तान से वहां उसने सूरह इखलास पढ़ कर उसका सवाब वालों को दिया उसकी बरकत से अल्लाह ने सारे कब्रस्तान से अपना अजाब उठा लिया ये इसाले पे तो बड़ी आपने दो जुमलों में, में, हाँ में।, हाँ में कुरान खानी एक जुमला तो मैं अर्ज कर चुका हूं मदीना का ये अमल नहीं नहीं बच्चों को बुला के जो कराया जाता है मैं उसकी बात कर रहा हूं हाँ वो बच्चे इसी तरह कि जब बच्चे घर में आके पढ़ते हैं तो दो फायदे होते हैं एक तो आपने जिसके लिए इसलिए स्वाब करवाना है उसको स्वाब पहुंचेगा दूसरा जिस घर में जिस जगह पे वो कुरान खानी कर रहे हैं वह अल्लाह रहमतों का नजूल होता है क्योंकि नबीमला ने खुद इर्शात की तो घर के अंदर कुरान हानि करवानी किसी फौजुदगान के लिए करवानी और मैं यहाँ पे आपकी वसारत से ये अर्ज करना जरूरी समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक अमल ये कि बच्चों को बुला के उनसे करवा ली जाती है खुद आलिखाना इधर उधर भागदौड़ में लगे रहते हैं वो चारे पढ़ने चारे। की कोशिश नहीं करते तो चाहिए कि जिस दर्द के साथ आप पढ़ सकते हैं आपके हुआ किसी और थी। 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 उस से से दूसरा नहीं पढ़ सकता। और ये जितना दिल से पढ़ेंगे उतना ही करवाई जाती है मुरवजा आपने सवाल उठाया मेरे जहन में एक बात आई दीनी अमल जब माशरे के अंदर होता है तो फिर उसके दो पहलू हो जाते हैं वो दीनी अमल होता है फिर मुआशरती अमल होता है जी जी। दीनी अमल के एतबार से वो जायज़ होता है फिर नफसरी के माशरती अमल के एतबार से अगर कुछ लोगों ने उसके साथ कुछ नापसंदीदा चीजें जोड़ ली हुई हैं तो उनकी इसलाह जरूरी हो जाती है बात ये लिहाजा बच्चे अगर आते हैं और कुरान मजीद पढ़ते हैं अगर किसी की नीयत ये है कि भी बच्चे चूंकि मुकल्लफ नहीं होते गुनाह नहीं उनके नामा अमाल में इसलिए उनका पढ़ना अफजल है इस एबार से अच्छा है।, ठीक है लेकिन अगर कोई खुद पढ़ने से बेजार है और हाँ। सर से उतारने के लिए बुला के पढ़वा रहा है किसी से तो इस अमल को क्रिटिसाइज किया बात बात है है कि सबसे पहले तो बिल्कुल सही बात बरकती फरमाई कि सबसे पहले तो वो जो दिल की कैफियत आपकी है वो उसका इजहार होना चाहिए ना कि सबसे पहले तो कलाम मजीद को आप खोलें और आप उस दर्द और सोच के साथ जो है कलाम मजीद की तलावत करें अगराज व्या क्या क्या हो सकते हैं और अगेन वही बात कि जरा इस बात को और खोलें कि ईसाल सवाब की जो शर हैत है उसकी ज़रा मुख्तलिफ पहलुओं को बयान कीजिए जुनेद भाई इस्लाम दीन रहमत है और इस्लाम राहमत का एक ऐसा दीन है जिसने अपने मानने वालों की ज़ाहरी जिंदगी के अंदर भी उनकी मोहब्बत का उल्फत का उन का एक ताल्लुक कायम रखा और दुनिया से जाने के बाद भी इस्लाम ने अपने मानने वालों के दरम्यान उल्फत और उनसीयत का ताल्लुक कायम रखा ठीक उसकी एक कड़ी देखिए कि फरमाया कि जब कब्रिस्तान में जाओ तो असलम या अहल कबूर के लफ्ज बोलो ठीक है उसी की एक सूरत इसाले सवाब भी बताई गई सवाब का मतलब यह है कि कोई शख्स अमल साल करके नेक अमल करके उसका सवाब किसी मुर्दे को मैत को या मदफफून को उसका सवाब कर दे अमल वो करे स्वाब किसी को पहुंचा दे ये सवाब के लाते

कि इलाही हमारी मक़फ़रत भी फरमा और जो बाद में आए हम हमसे पहले दुनिया से चले गए उनकी भी मक़फ़रत फरमा तो वो अपनी भी बख्शिश तलब करते हैं और उन लोगों की जो उनसे पहले दुनिया से पर्दा कर गए उनकी भी वो बख्शिश तलब करते हैं तो दुआ मांगने का यह कुरान ने दिया मकफिरत की दुआ का नबीम के मरूमा में से किसी शख्स को कबर में रखा जाता है तो वो गुनाहों से लुथड़ा हुआ होता है लेकिन जब उसको कबर से निकाला जाएगा तो वो गुनाह उसके साथ नहीं होंगे हाँ। वो किधर जाएंगे फरमाया वो मकफिरत की दुआएं थी जिसने उनको गुनाहों से पाक कर दी मकफिरत का बख्शिश का सबब बन गया तो जिस तरह उम्मत को यह तालीम दी गई कि मकफिरत की दुआ करो इस

और करो, चाहे एक रोटी ही कर Allah कर Allah कबर में हमारे लिए राहत का सब बन जाए इसका तो मतलब सुखी सुखी जरा मुझे एक बन बन बात समझाइएगा वजहत के लिए के आपका ये कि आपका फरमाना यह है कि अगर कोई शख्स जो है इस वक्त अगर किसी के वालदे चले गए याबा में से कोई चला गया है और अगर वो इस वक्त जो है वो उनके लिए इशार करता है तो ये मुमकिन है कि मैश बपा होने से पहले पहले कब्र में ही उसके गुना जो है वो धो दिया जाए साफ कर बिल्कुल ऐसा हो सकता है इजाफा हो होगा एक शख्स नेकियों का पहाड़ देखकर सवाल करेगा कि जो मैंने तो नहीं की कहां से आई तो जवाब मिलेगा ये तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए तो वही है जो वो खुद अमल करेगा। तो किसी के अमल का स्वाब किसी दूसरे को कैसे पहुंचेगा यहाँ तीन बिल्कुल इक्तिसार के साथ तीन जवाब अर्ज करने है सबसे पहले तो वह रात कुरानी मजीद की तफासिर का मुतालबा कर मुताल करें और इस साहित की तफसीर को देखें इसका पहला जवाब यह है कुरानी मजीद की इस साहित से इसलिए नफी इसलिए नहीं ली जा सकती कसरत से आदिश है जिनके अंदर इस तरगी मसलन कुछ दिया दिया तो देखिए यहां जो बात तरगीब दिलाई जा रही है कि हर शख्स अपने अमल का ज्यादा हक रखता है कोई आदमी किसी दूसरे के अमल का हकदार नहीं हो सकता बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक माल एक आदमी का है तो वह अपने माल का ज्यादा हकदार है कोई दूसरा आदमी उसके माल का दावा नहीं कर सकता कि इसका माल मेरा है लेकिन वो मालदार आदमी अपने माल का मालिक होकर अपना माल किसी को दे दे तो वो दूसरा आदमी उस माल फायदा तो उठा सकता हुँ है हुँ। इसी तरह अमल का मालिक इंसान खुद है कोई दूसरा अकदार नहीं हो सकता लेकिन वो अमल का मालिक अगर किसी को सवाब कर दे और अपने अमल का सवाब किसी को पहुंचाना चाहे तो वो पहुंच सकता है तीसरी बात इसमें हमने ये समझ लिया है अगर किसी के अमल का किसी दूसरे को फायदा नहीं पहुंचता किसी की नेकी का किसी को फायदा नहीं पहुंचता तो दुआए खैर करने की तरगीब तो कुरान दिला रहा है सदको खैरात की तरगीब कुरान दिला रहा है उसका आप जाएगा? दो कुर्बानियां करते थे एक अपनी तरफ से और एक अपनी समझने की जरूरत है कि नफी नहीं की जा रही जब हम इनके मकासद है बदामालियों की वजह से अजाब हो रहा है तो उसमें तकफीफ हो जाती है दूसरा मकसद की

आ, अगर कोई शख्स अमूमा यह भी देखा गया है कि किसी से प्यार हो गया या मोहब्बत हो गई या किसी की अकीदत में गिरफ्तार हो गया आ, तो यह भी कह देता है कि मैंने अपनी जिंदगी भर की सारी नेकियां आपको दे दी ऐसा भी होता है ना तो क्या यह ऐसा करना दुरुस्त है जी वो उससे मुराद सवाब है अच्छा अच्छा देखिए वही बात अर्ज कर दी इंसान ले इल्ला मासा वो अपने अमल का खुद मालिक है ओके। कोई दूसरा दावा नहीं कर सकता लेकिन वो सवाब दूसरे को पहुंचा सकता बिल्कुल ठीक नाजरीन कराम ये बड़ा लतीफ मौजू इस एतबार से है बहुत से लोग सख्त दिल हो जाया करते हैं ना आपने देखा होगा के मैत के पास खड़े हैं और लोग कुछ लोग जो हैं वो हाथ बुलंद करके बाकायदा अल्लाह की बारगाह में आगुजारी कर रहे होते हैं और रो रहे होते हैं और गिड़गिड़ा कर जो है मैत के लिए दुआ कर रहे होते हैं अगर वो उनके रिश्ते में हो नाते में हो माँ बाप हो बहन भाई हो या किसी भी रिश्ते में हो आ, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उस वक्त भी हाथ नीचे करके खड़े रहते हैं बिल्कुल सुत खड़े होते हैं और उनका दिल इतना सख्त होता है कि वो हाथ भी बुलंद नहीं करते ऐसा लगता है कि जैसे वो दुआ करेंगे तो पता नहीं उनके वजूद से कुछ निकल के चला जाएगा इतहाई कैटेगोरिकल हदीस से पाक मैं आपको बतलाऊँ सुन ने अभी दाऊद की हदीस है हज़रत उस्मान बिन आफ़ान ताला तुन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसम ने फरमाया कि जब दफन मैय से फ़ारि होते सरकार मदीना वाली वसलम तो फरमाते कि अपने भाई के लिए इसतफ़ार करो ये सरकार का अमल और इसकी साबित कदमी की दुआ करो क्योंकि इससे अभी सवाल किया जा रहा होगा मरबों का मादीनों का मन नबियों का होगा तीन सवाल होते हैं ना लिहाजा उनके लिए दुआ किया कीजिए किताब शिफ़ा हसूल रिस्क रिस्क में आसानी का अमल आपको बतलाते हैं इकतालीस दिन तक रोज़ाना नमाज तहजद के बाद तीन मरतबा सूरत जुमा की तलावत का मामूल बना लेने से उलूल रिस्क के हवाले से तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं और हलाल रिस्क का हसूल होता है हज़रत अली करमलाजुल करीम का कौल मुबारक है कि आखरत तुम्हारे रहने का घर है बस उसके लिए वो सामान तैयार करो जो हमेशा तुम्हारे काम आए